रस रस अजर बिहारी। दिन ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर तथा नित्य कर्म और संध्या उपासना आदि निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पास जाकर बोले, गुरुदेव कृपा करके हमें ये बताइए कि राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए किस समय आते हैं। ये हम इसलिए जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे अनजाने में ही वे आकर उपद्रव मचाने लगे। दशरथ के वीर पुत्रों के इन उत्साह भरे इन वचनों को सुनकर वहां पर उपस्थित समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे रघुकुल भूषण राजकुमारों, यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको आज से 6 दिनों तथा रात्रियों तक पूर्ण रूप से सावधान मुद्रा में और सजग रहना होगा। इन 6 दिनों में विश्वामित्र जी मौन होकर यज्ञ करेंगे। इस समय भी वे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे क्योंकि वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं। सूचना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने समस्त शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा में तत्पर हो गए। 5 दिन और 5 रात्रि तक वे निरंतर बिना किसी विश्राम के सतर्कता के साथ यज्ञ की रक्षा करते रहे, किंतु इस अवधि में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। 6वें दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई सौमित्र, यज्ञ का आज अंतिम दिन है और उपद्रव करने के लिए राक्षसों की आने की पूर्ण संभावना है। आज हमें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। तनिक भी असावधानी से मुनिराज का यज्ञ और हमारा परिश्रम निष्फल और निरर्थक हो सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को अभी सचेष्ट किया ही था कि यज्ञ सामग्री चमस समिधा आदि अपने आप भभक उठे। आकाश से ऐसी ध्वनि आने लगी जैसे मेघ गरज रहे हों और सैकड़ों बिजलियां तड़क रही हों। इसके पश्चात मारीच और सुबाहु की राक्षसी सेना रक्त मांस मज्जा अस्थियों आदि की वर्षा करने लगी। रक्त गिरते देखकर राम ने उपद्रवकारियों पर एक खोजपूर्ण दृष्टि डाली। आकाश में मायावी राक्षसों की सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम धनुष पर शर संधान करके सावधान हो जाओ। मैं मानवास्त्र चलाकर इन महापापियों की सेना का अभी नाश किए देता हूँ। ये कहकर राम ने असाधारण फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन पर मानवास्त्र छोड़ा। मानवास्त्र आंधी के वेग से जाकर मारीच की छाती में लगा और वह उसके वेग के कारण उड़कर 100 योजन अर्थात 400 कोस दूर समुद्र में जा गिरा। इसके पश्चात राम ने आकाश में आग्नेयास्त्र फेंका जिससे अग्नि की एक भयंकर ज्वाला प्रस्फुटित हुई और उसने सुबाहु को चारों ओर से आवृत कर लिया। इस अग्नि की ज्वाला ने क्षण भर में उस महापापी को जलाकर भस्म कर दिया। जब उसका जला हुआ शरीर पृथ्वी पर गिरा तो एक बड़े जोर का धमाका हुआ। उसके आघात से अनेक वृक्ष टूटकर भूमि पर गिर पड़े। मारीच और सुबाहु पर आक्रमण समाप्त करके राम ने बचे खुचे राक्षसों का नाश करने के लिए वायव्य नामक अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के प्रहार से राक्षसों की विशाल सेना के वीर मर मर कर ओलों की भांति भूमि पर गिरने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में संपूर्ण राक्षसी सेना का नाश हो गया। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके मुनि विश्वामित्र यज्ञ वेदी से उठे और राम को हृदय से लगाकर बोले, हे रघुकुल कमल, तुम्हारे भूभजल के प्रताप और युद्ध कौशल से आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। उपद्रवी राक्षसों का विनाश करके तुमने वास्तव में आज सिद्धाश्रम को कृतार्थ कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। दूसरे दिन राम और लक्ष्मण अपने नित्यकर्मों और संध्या वंदनादि से निवृत्त हुए और प्रणाम करने के उद्देश्य से गुरु विश्वामित्र के पास पहुँचे। वहाँ उपस्थित आश्रमवासी तपस्वियों से राम और लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिला में राजा जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। उस धनुष यज्ञ में देश देशांतर के राजा लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव इस धनुष की क्या विशेषता है और इस यज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है। ऋषि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, जनक मिथिलापुरी के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है।
प्राचीन काल में किसी समय देवरात नामक पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था, जिसमें उसने देवताओं को भी आमंत्रित किया था। देवताओं ने देवरात के इस यज्ञ से प्रसन्न होकर उसे पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया था। ये धनुष अत्यंत सुंदर, भव्य और गरिमामय है और साथ ही साथ यह बहुत भारी और शक्तिशाली भी है। बड़े बड़े बलवान, पराक्रमी और रणकुशल योद्धा तथा शूरवीर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे उठा भी नहीं सकते। अपनी एकमात्र रूपवती एवं लावण्यमयी कन्या सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला नरेश ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी पराक्रमी वीर राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ वे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। अनेक देशों के राजा एवं राजकुमार भारी संख्या में इस यज्ञ में भाग लेने के लिए मिथिलापुरी पहुँच रहे हैं। हम लोगों की भी इच्छा इस यज्ञ को देखने की है, अतः तुम भी हमारे साथ मिथिलापुरी चलो, उसे देखकर तुम लोगों को भी प्रसन्नता होगी। महर्षि का आदेशानुसार राम और लक्ष्मण ने भी विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के साथ मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अनेक प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए वे आध्यात्मिक चर्चा भी करते जाते थे। इस प्रकार वे सोन नदी के तट पर पहुँचे। विश्वामित्र सहित सभी ऋषि मुनियों एवं राजकुमारों ने सरिता के शीतल जल में स्नान किया। इसके पश्चात संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर धार्मिक कथाओं की चर्चा में व्यस्त हो गए। रात्रि अधिक हो जाने पर गुरु की आज्ञा से सभी ने वही रात्रि व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्मों तथा संध्या वंदनादि से निवृत्त होने के पश्चात यह मंडली आगे की ओर बढ़ी। वे परम पावन गंगा नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मध्यान्ह होने के कारण भगवान भास्कर आकाश के मध्य में पहुंच चुके थे और गंगा का दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई दे रहा था। अट्ठकेलियां करती हुई लहरों में सूर्य के अनेकों प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। जल में कौतुकमय मछलियां क्रीड़ा कर रही थीं और नभ में सारस हंस जैसे पक्षी अपनी मीठी बोली में बोल रहे थे। दूर दूर तक सुनहरे रेत के कण बिखरे पड़े थे और तटवर्ती वृक्षों की अनुपम शोभा दृष्टिगत हो रही थी। राम इस दृश्य को अपलक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें देखकर विश्वामित्र ने पूछा, वत्स, इतना भाव विभोर होकर तुम क्या देख रहे हो? राम ने कहा, गुरुदेव, मैं सुरसरी की इस अद्भुत छटा को देख रहा हूँ। इस परम पावन सलिला के दर्शन मात्र से मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिल रही है। भगवान, मैं आपके श्रीमुख से ये सुनना चाहता हूँ कि इस कलुषारिणी पवित्र गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। राम का प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, अनेक प्रकार के कष्टों और तापों का निवारण करने वाली गंगा की कथा अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक है। मैं तुम सभी को ये कथा सुनाता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं सर्वगुण संपन्न दो कन्याएं थीं। इन कन्याओं की माता सुमेरु पर्वत की पुत्री मिना थी। बड़ी कन्या का नाम गंगा तथा छोटी कन्या का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार न कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के कल्याण की दृष्टि से उसे हिमालय से मान कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवन, जब गंगा को देवता लोग सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपदका क्यों कहते हैं? राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि प्री द्वीप पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी।